हाय एवरीवन, दिस इज द न्यू वीडियो ऑफ अ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पाइथन। और आज के हम इस वीडियो में प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को सीखेंगे। मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑपरेटर्स सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं और इंट्रोडक्शन टू पाइथन के जो बाकी बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। 11th आईपी का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम, वो भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, और मैं आई बटन पे भी कुछ वीडियोस को लिंक कर दूंगी। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर ही दीजिएगा। सो लेट स्टार्ट। सो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है? प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर को समझने के लिए पहले आपको सारे ऑपरेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। सो ऑपरेटर्स को जब आप सीख लोगे तो उसके बाद हम ये सीखेंगे कि जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है, एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के टाइम पे बहुत सारे ऑपरेटर्स एक ही एक्सप्रेशन के अंदर आ जाते हैं, तो उन ऑपरेटर्स में कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में सॉल्व होगा, दैट इज नोन एज प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। सो इस टेबल के अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है कि अगर ऑपरेटर हमारे पास एक साथ बहुत सारे आ जाते हैं तो कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी जो होती है वो ज़्यादा हाईएस्ट होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी जो है वो हायर प्रायोरिटी है। अगर हमारे किसी एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट सबसे पहले हैं तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद इस टेबल के अंदर सिर्फ ऑपरेटर की प्रायोरिटी को ही लिखा गया कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, तो जिस ऑर्डर में लिखा गया है हमें उसी की ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ही काम करना है। उसके बाद हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स आते हैं। यूनरी ऑपरेटर हमारे पहले सॉल्व होते हैं एज कम्पेयर टू अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड और इंटीजर डिवीजन, इन सबकी प्रायोरिटी सेम है। जब आपके पास सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स होते हैं, आप एक एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हो और उसमें सारे ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के आ जाएंगे, तो आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करना है और जो ऑपरेटर लेफ्ट साइड से पहले की आपके पास आएगा उसको आप पहले सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस एंड माइनस। इसकी प्रायोरिटी बाकी ऊपर लिखे हुए ऑपरेटर से थोड़ी लोअर होती है, तो अगर मल्टीप्लाई और प्लस एक साथ आ गया तो आपको पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है फिर प्लस को सॉल्व करना है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर की प्रायोरिटी अरिथमेटिक ऑपरेटर से कम होती है। उसके बाद इक्वालिटी ऑपरेटर और नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर जो होते हैं उनकी प्रायोरिटी रिलेशनल ऑपरेटर के में से सबसे कम होती है। देन हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर, देन मेंबरशिप ऑपरेटर एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर, जिसका मतलब लीस्ट प्रायोरिटी पे जो ऑपरेटर है दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये है आपका एक टेबल, जिस आप टेबल को आप पढ़ के ये एनालाइज कर सकते हैं कि अगर एक एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़े तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अब एक एग्जांपल देख के ज्यादा समझेंगे इसको। उसके बाद देखिए नोट में लिखा है, नोट में ये लिखा है कि पैरेंथेसिस कैन बी यूज टू ओवरराइड द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, द एक्सप्रेशन विद इन द पैरेंथेसिस इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है उसके अंदर ऑपरेटर्स भी दे रखे हैं तो ऑपरेटर्स के साथ साथ कुछ ब्रैकेट्स भी दे रखी हैं, तो पैरेंथेसिस या फिर ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है उसके बाद ही ब्रैकेट्स को देखा जाता है। उसके बाद लिखा है फॉर ऑपरेटर्स विद इक्वल प्रेसिडेंस द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ आ गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो प्रेसिडेंस होता है वो सेम होता है, प्रायोरिटी जो होती है वो सेम होती है। अगर एक एक्सप्रेशन में ये दोनों ऑपरेटर एक साथ आ जाते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेंगे, तो लेफ्ट साइड से जो हमारा पहला ऑपरेटर होगा दैट इज मल्टीप्लाई, तो वो पहले सॉल्व होगा और डिवाइड जो है वो बाद में सॉल्व होगा। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। नीचे एग्जाम्पल है एक, हाउ विल पाइथन इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि पाइथन इस एक्सप्रेशन को किस तरह से इवेल्युएट करेगा। अब इसके अंदर हमारे पास लिखा है 20 + 30 × 40, तो अब यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी जो होती है वो प्लस से ज्यादा होती है, इसीलिए हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20 तो हमारा वैसे का वैसा ही, प्लस भी हमारा वैसे का वैसा ही आ जाएगा। देन 30 और 40 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 1200, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1200। 1200 के अंदर जब हम 20 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो भी हमारा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आंसर आएगा। अब प्लस जो है वो सॉल्व होगा तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1220, तो दैट इज द आंसर। इस तरह से पाइथन जो है वो इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर माइनस और प्लस की प्रायोरिटी बिल्कुल सेम है, दोनों की प्रायोरिटी सेम रहती है,
ठीक है, तो अब हम जब हमारे पास सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स होते हैं, तब तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए हमारे पास माइनस जो है वो पहले नजर आ रहा है, तो माइनस जो पहले नजर आ रहा था 20 माइनस 30 पहले करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -10। -10 के साथ अब हमारे पास है +40, तो +40 अब सॉल्व होगा, तो -10 + 40 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30। तो एक्सप्रेशन इस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, अगर सेम प्रायोरिटी के हैं ऑपरेटर्स या फिर डिफरेंट प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स हैं तो किसको पहले सॉल्व किया जाएगा, किसको बाद में सॉल्व किया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि अगर आपने प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर को अच्छे से समझा है उसी के अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब प्लस और मल्टीप्लाई दोनों हैं तो साथ में दोनों की प्रायोरिटी भी डिफरेंट है। मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी तो है वो प्लस से ज्यादा होती है, पर प्लस को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन में अगर ब्रैकेट दे रखी है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है, तो इस केस में ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी। तो इस केस में जब ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी तो हमारे पास पहले आंसर आ जाएगा 50, और 50 के साथ हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 40। तो जब मल्टीप्लाई बाय 40 लिखेंगे इसके साथ, अब मल्टीप्लीकेशन हमारा सॉल्व होगा तो आंसर आएगा 2000। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन अब सॉल्व होगा, तो इस केस में जब हमारे पास ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है। क्लियर है, तो अब इस तरह से आप एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको पाइथन की स्क्रीन पे भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सो एक एग्जांपल हम पाइथन की स्क्रीन पे भी करके देख लेते हैं, तो प्रैक्टिकल करेंगे। तो एक मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, प्रिंट 7 × 8 / 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम प्रायोरिटी का है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 7 × 8 = 56, 56 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 11.2। तो ये मैंने खुद मैनुअल कैलकुलेशन की है। सो कैलकुलेशन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके अपना आंसर चेक करेंगे। सो मैंने इसे सेव किया अंदर, मैं इसे रन कर रही हूँ, तो मेरा आंसर आया है 11.2। तो आई थिंक अब आपको प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर जो है वो समझ में आ गया होगा। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर के अंदर अलग अलग तरह के जो है वो अलग तरह से हम वर्क करते हैं। एक हमारे पास एक्सपोनेंट नाम का ऑपरेटर होता है। एक्सपोनेंट ऑपरेटर के अंदर अगर आपने एक्सपोनेंट को दो बार यूज किया है एक ही एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसको उसका वर्किंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 × 3 × 2, तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट वर्क नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे राइट टू लेफ्ट वर्क करेंगे। राइट टू लेफ्ट हम इसलिए वर्क करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा रेज टू पावर 3 / 2। अगर आपको सॉल्व करना पड़ेगा 3 / 2 कितना होता है, 3 × 3 = 9, तो हमारे पास इंटरनली क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 × 9। अब हम 3 / 9 को सॉल्व करेंगे, इसका मतलब 3 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं और इसका आंसर हम चेक करते हैं। दैट इज एक बड़ा नंबर आया है, क्योंकि जब हम 3 को 9 बार लिखेंगे और फिर इसको 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर है वो बहुत बड़ा आने वाला है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। पहले मैंने 3 × 2 किया है तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, राइट। अब मैंने किया है 3 × 9, तो मैं एंटर की प्रेस कर रही हूँ, तो मेरा आंसर आ रहा है 19683। वही आंसर हमारा अपने इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने पे आया है। ठीक है, तो मैंने टैली भी आपको करवा दिया है। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी उसके बारे में आप जरूर बता सकते हैं मुझे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।